डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशन विद रिपीटेड एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने परमुटेशन को पढ़ा था, उसे डिफरेंट एलिमेंट्स पे अप्लाई करके भी देखा था। तो वहाँ पे हमारे जो एन एलिमेंट्स थे वो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, वहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था। यहाँ पे अब केस ऐसा है कि अब जो हमारे पास एन एलिमेंट्स होंगे उनमें से कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पर ये वर्ड है आल, ए डबल एल आल, इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 3, लेकिन इसमें 2 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो इस केस में परमुटेशंस कैलकुलेट करने के लिए हम वो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूज़ किया था, बल्कि अब हमारे पास फार्मूला डिफरेंट होगा। और नया फार्मूला क्या होगा, उसके लिए ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल परमुटेशंस ऑफ एन एलिमेंट्स टेकन ऑल एट अ टाइम in which m1 are alike, m2 are alike, up to so on and mk are alike is, और इसकी total quantities होंगी हमारे पास n factorial divided by, as m1 are alike so we have to divide m1 factorial into, next m2 are alike so m2 factorial into, up to so on, and last quantity which is repeated is the quantity which is repeated by mk times, so mk factorial। तो इस तरह से हमें जो total number of permutations यहाँ से मिलेंगी वो हमारा required answer होगा। तो इस formula को use करते हुए हम repeated elements के case में permutations को calculate करते हैं। Assume करें कि अगर हमारे पास n equal to 5 हो और ये जो 5 objects हैं इनमें से 2 एक तरह के हों और 3 एक तरह के हों, मीन्स रिपीट हो रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होंगी। अब वैसे तो n इक्वल टू 5 है, तो इस केस में 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ये केस बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इज 120 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 इनटू 3 फैक्टोरियल इज 6। This is equal to 120 divided by 6 into 2, 12, which is equal to 10। तो एक्चुअली इस केस के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी बनेंगी? 10 बनेंगी। तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है और वो 10 परमुटेशंस क्या होंगी। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ये 3 ब्लैक मार्कर हैं और 2 ब्लू मार्कर हैं, टोटल 5 हैं, जिनमें से 2 एक तरह के और 3 एक तरह के हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअली रिपीटेड एलिमेंट्स का केस है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं, वो कितनी बननी चाहिए? 10 बननी चाहिए। तो यहाँ पे 1 by 1 देखते हैं। यहाँ पे अज्यूम करें कि ये हमारे पास मार्कर्स हैं ब्लैक, यानी मैंने यहाँ पर इस तरह एडजस्ट किया। देखें, सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर रखूँ तो ये मेरी फर्स्ट अरेंजमेंट आ चुकी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इन दोनों को उठाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, ये दूसरी अरेंजमेंट आ चुकी। नेक्स्ट मैं इन दोनों को उठाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, ये तीसरी अरेंजमेंट। चौथी अरेंजमेंट के लिए मैं इन्हें उठा के यहाँ पे रखता हूँ, तो ये हमारे पास फोर्थ अरेंजमेंट आ चुकी। नेक्स्ट मैं अब यहाँ से इसे उठा के यहाँ रखता हूँ, तो ये एक नई अरेंजमेंट है, फिफ्थ अरेंजमेंट। इसे उठा के यहाँ पे रखें, ये सिक्स्थ अरेंजमेंट। इसे उठा के यहाँ पे रखें, ये सेवन्थ अरेंजमेंट। यहाँ से इसे मैं उठा के यहाँ पे रखूँ, ये एट्थ अरेंजमेंट। इसे मैं उठा के यहाँ पे रखूँ, ये नाइन्थ अरेंजमेंट। और हमारी लास्ट अरेंजमेंट ये है कि मैं इसे यहाँ पर उठा के रखूँ, तो ये हमारी लास्ट टेंथ अरेंजमेंट। तो आपने देखा कि इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हैं, वो 10 हैं। आप जैसे ही और एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट करते जाएंगे, सेम होंगे, तो आपके पास ओवरऑल परमुटेशंस में कुछ कमी वाकई होगी। तो आपने ये केस n इक्वल टू 5 के लिए देखा। यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, यहाँ से कोई वर्ड हम चूज़ कर लेते हैं जिसके लिए हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो है, जिस तरह एलिमेंट, कि इससे टोटल नंबर ऑफ
अल्फ़ाबेट्स कितने बनेंगे अगर हम ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें यूज़ करें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ रिपीट भी हो रहा है। ई है वो 2 times रिपीट हो रहा है, बाकी 3 times रिपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट भी ई है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे n इक्वल टू 8 है। नेक्स्ट, ये जो रिपीट होने वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें देखें, e जो है वो 1, 2, 3 times रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ पे m1 इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट, बाकी एलिमेंट्स में l, m, n, t और s ये रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसकी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी, वो होंगी 8 factorial डिवाइडेड बाय 3 factorial विच इज़ इक्वल टू 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 factorial by 3 factorial। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई और वर्ड यहाँ पे देखें, परमुटेशंस अगर इस पे हम गौर करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n इक्वल टू 12। और कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, p एक मरतबा है, e भी एक मरतबा है, r एक मरतबा है, m भी एक मरतबा है, u एक मरतबा है, t 2 मरतबा है। सो यहाँ पे हमारे पास एक m1 आ गया अगेंस्ट t जो कि 2 times है, a 1 times है, i 1 times है, o 1 times है, n 1 times है, s 1 times है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होगी, 12 factorial by 2 factorial। तो इस तरह से हम इसे कंप्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से रिपीटेड एलिमेंट्स के अंदर परमुटेशन कैलकुलेट करने का आइडिया क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।